तो गाइस स्वागत है आपका अपने स्पेशल चैनल फिर से एक बार जिसका वीजू स्टॉक मार्केट हिंट्स। तो गाइस यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आर्किटेक्चर रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बना दी ऑलरेडी एंड कहीं ना कहीं ये जो है शायद लास्ट वीडियो बोल सकते हैं आप एक एनालिसिस के तौर पे, और अगर कोई न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा। बट हाँ, आर्किटेक्चर मैं आपको लेवल्स दे चुका हूँ, उन लेवल्स पर आपको काम करना है, ठीक है। लेवल मैं देखे भी चल जाऊँगा, जिनने वाली वीडियो नहीं देखी अगर देखे तो आपको लेवल मालूम है। बट हाँ, अब जो है ये मेरी तरफ से जो आपके लिए आर्थिक ड्रग के रिलेटेड आखिरी वीडियो होने वाली है एंड कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी क्लियर पिक्चर मैं देके जाऊंगा आपको। एंड गाइज, विकास मल्टीकॉर्प के रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वरना वीडियो सेक्शन में जाके आप स्क्रॉल आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना जो भी विकास मल्टीकॉर्प में अगर पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि 3 रुपये का शेयर है, जाता तो कुछ नहीं जाता पर मिलता है तो काफ़ी कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो जरूर चेकआउट करनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत लेंथी वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसमें ना पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और अगर आप ऐसे बन जाएंगे भाई बोर हो जाएंगे तो आप इस वीडियो को स्किप आउट कर सकते हैं। बट देखना पूरी पेशेंस के साथ एंड समझना जो चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ, शांति से कहीं पे अकेले में बैठ के ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत कुछ आपको बताना है मुझे इस वीडियो में, ओके। तो अभी भाई फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऊपर से पहले देख लेते हैं भाई आर्थिडक्स का क्या सीन है। तो आर्थिडक्स का देखो, कल जहाँ पे बाई क्वांटिटी ऑलरेडी लग चुकी थी, आज जो है सेलिंग क्वांटिटी ऑलरेडी लग चुकी है। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की बात जाए तो कोई ऐसा आज खास मूवमेंट हुई नहीं है, ठीक है। 2 लाख के आसपास जो है ट्रेडिंग हुई है एंड 52% डिलीवरी उठाई गई है, तो लोग तो सोच रहे कि बढ़ेगा, बट इसके जो इंडिकेटर्स हैं, जो इसके टेक्निकल्स हैं, वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। बट उससे पहले आपको इसका ब्रॉडर पिक्चर दिखाने के लिए मुझे आपको काफ़ी कुछ समझाना है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिडक्स गिर क्यों रहा है। एक्चुअली 2-3 रीज़न है मेन जिसकी वजह से आर्थिडक्स गिर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने सर्च किया है निफ्टी फार्मा, आप चाहो तो अपने दूसरे फ़ोन पे जो है सर्च कर सकते हैं या लैपटॉप वैपटॉप पर सर्च कर सकते हैं मेरे साथ साथ। निफ्टी फार्मा का चार्ट है एंड ना यहाँ से मैं YTD दिखाता हूँ। तो देखो ये है जनवरी का पीरियड और अभी चल रहा है फरवरी, मतलब कि मार्च स्टार्ट होने वाला है ना। तो ये देखो लगातार गिरावट है, निफ्टी फार्मा ही गिरा हुआ है, एक तरह से पिटा हुआ है निफ्टी फार्मा। आज जो इसमें बढ़ावट ये देखोगे, अगर आज का पैटर्न में दिखाता हूँ एक दिन का, तो यार देखो बढ़िया मूवमेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, मतलब कि आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा गया है, ऊपर नीचे हुआ है। बट यहाँ पर आपको पूरी पिक्चर देने के लिए YTD देखना पड़ेगा। यहाँ से हमेशा बढ़ता है, यहाँ से देखो यहाँ पे ही बढ़ा था फिर गिर गया, ठीक है, कितना गिरा हुआ है, यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं है। ये जो आज की मूवमेंट है इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, नो जीरो मूवमेंट इसको बोल सकते हैं एक तरह से, इतना ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है इस समय निफ्टी फार्मा की। इसका रीज़न साफ है भाई, क्योंकि देखो एक बार कोरोना हुआ, ठीक है, उस वक्त जो है सबको दवाई ववाई चाहिए, अब जो है कोरोना से सब लोग मुक्त हो चुके हैं एक तरह से, ठीक है, कहीं कहीं पे लॉकडाउन वॉकडाउन हो रखे हैं, हाँ वहाँ मान सकते हैं, वहाँ पे इमरजेंसी नीड वगैरह हो रही है मेडिकल सर्विसेज की, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि अब इतना ज़्यादा रह नहीं गई हैं चीज़ें। तो अब यहाँ पर ना यार जो मैं दिखाऊँगा आप शायद डर जाएंगे देख के, तो पैनिक होकर जो है आर्थिक को सेल आउट मत कर देना। तो यही बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शांति से देखना, समझना चीज़ों को, क्योंकि मुझे पता है अब आपको झटका लगने वाला है। भाई देखो इतनी सीरियस बात चल रही थी उतने उसके बीच में मेरे को याद आया कि मेरे को थोड़ा सा प्रमोशन भी करना है अपने चैनल का। तो देखो यार थोड़ा चिल आउट विलआउट रहो, इतना ज़्यादा कुछ सोच के, हाँ जरूर तो है वैसे आर्थिडक्स में फंस रखे हो, क्या बोलूँ, बट जो भी है भाई देखो यहाँ पे जो है मैं आपको देता हूँ ट्रेडिंग कॉल्स। अभी आर्थिडक्स में तो आप फंस रखे हो कोई नहीं, बट जैसे आपके पास 1000, 2000, 3000, 5000 थोड़े थोड़े रुपये भी है ना, तो अपना इंट्राडे में ना गवा के मेरी ट्रेडिंग कॉल्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल्स में लगाओ। यहाँ पे देखो मैं आपको कॉल्स देता हूँ जो कि आपकी एक हफ्ते या फिर एक दिन या फिर 3 दिन या फिर 5 दिन या फिर आधा महीने के अंदर अंदर जो अचीव भी हो जाते हैं। तो आपको ज़रूर ये टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यहाँ पे देखो मैंने BHEL का टारगेट दिया था 44 के अबव बाई करके चलो, आज ही पहला टारगेट अचीव हो गया एंड लोगों ने प्रॉफिट बुक भी यहाँ पे कर लिया है। एंड कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे ऐसे ही टाइप के आपको वीडियोज़ मिलेंगे। एंड यहाँ पे देखो मैंने प्रो वर्जन आप लोग के लिए ले रखा है भाई, एंड किसका, टिकट टेप का, एंड टिकट टेप की मैं पूरा सब कुछ शो करता हूँ। देखो यहाँ पे जो है ये वाला प्रो वर्जन का फीचर था कि हम आपको स्टॉक बताएंगे जो कि अभी फिलहाल अच्छे चल रहे हैं, 1 महीने के लिए आप इनको बाई करके चल सकते हैं, ये सारे हैं। तो आप भी चाहो तो भाई इनको बाई कर सकते हैं, स्क्रीनर के मदद से मैंने ये चीज़ें देखी हैं टिकट टेप पे। देखो कौन कौन सा है ये आपको क्लियर पिक्चर दिख रहा है। तो ऐसे अगर आपको पर्क्स चाहिए भाई अच्छे अच्छे, एंड मैंने हमेशा इसमें बताता हूँ कि भाई मैं ये खरीद रहा हूँ ये बेच रहा हूँ, IDFC मैंने लिया था, IDFC मैंने 64 पे लिया था, मैंने टेलीग्राम पे बताया साफ साफ, आज ही भाई उसने रिटर्न दिया एंड मैंने बहुत अच्छा रिटर्न उससे कमा भी लिया है। तो ऐसे अगर आप कॉल चाहते हैं तो भाई बिल्कुल दे सकते हैं। एंड मैंने उसके बाद भी बताया भाई इनको भी आप स्विंग ट्रेड के लिए नज़र में रखो, मैं इनको भी पर्सनली बाई करने वाला हूँ एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी ये सही है। IDC, टाटा सील, TCS, हैवल, भारतीय एयरटेल सब कुछ बताता हूँ भाई। तो आपको जो चैनल को ज्वाइन करना चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया गाइस। तो यही बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शांति से देखना, समझना चीजों को, क्योंकि मुझे पता है अब आपको झटका लगने वाला है।
यहाँ पे मैं मैक्सिमम पैटर्न खोलता हूँ, ठीक है। अभी तो आपको कुछ ऐसा सर्च दिखेगा नहीं, बट जब मैं कुछ दिखाऊंगा तब देखो इसको। ये देखो कब आया था, ये 2011 में, 2011 में आते इसने हाई मारा था 2015, ठीक है। 2015 से मैं यहाँ पे चेक करवाता हूँ आपको, ये है निफ्टी फार्मा गाइस, लगातार गिरावट देखोगे तो 48% के आसपास जो इसमें गिरावट हुई है, 49.56 आपके सामने पूरी क्लियर पिक्चर है। एंड ये मैं डेट बता देता हूँ कौन सा दिन है, ये देखो ये है दिन आपका 27 मार्च 2020, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। और जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तब सैनिटाइजर वगैरह, मेडिकल, ये हेल्थ वेल्थ की चीज़ें बढ़ना चालू हुई, एंड उसकी वजह से ये सारी बढ़ावत आई थी। वरना क्या होता, वरना यही होता, ऐसा नीचे ही जा रहा होता पैटर्न अगर ये कोरोना नहीं आता। वो तो कोरोना आ गया इसलिए बूम आउट मिल गया इन स्टॉक्स को। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि अभी जो आर्थडक्स क्यों गिर रहा है, आर्थडक्स क्या भाई, सारे ही फार्मा के सेक्टर गिर रहे हैं, 2015 से गिर रहे हैं, 2015 से, ये देखो 2015 से लगातार गिरावट है मेरे भाई। तो यहाँ पे जो है भाई एक समय ऐसा आ गया था जब बोला जाता था कि निफ्टी फार्मा को रहने दो, वो एक डेब्ट है, वो मतलब कि अगर उसका स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है निफ्टी फार्मा का, तो भाई आपसे बड़ा कोई बेवकूफ है नहीं, ऐसा बोला जाता था। एंड कोरोना के बाद देखो क्या सिचुएशन हुई थी। एंड ये मैं आप चेकआउट करवाता हूँ आपको, पिछले 3 साल का दिखाता हूँ मैं, ओके 5 साल का मिल जाएगा। ये देखो कितनी बड़ी यहाँ पे जो है, यहाँ पे लगातार गिरा था भाई निफ्टी, एक दिन ऐसा नहीं देखा भाई बहुत ज़्यादा ना गिरा हो। और उसके बाद जो भाई इसमें बढ़ावट देखोगे आप, अगर मैं दिखाता हूँ इसको थोड़ा ब्रॉडर रेंज पे, तो ये देखो अराउंड यहाँ पे देखा जाए तो 78% बढ़ गया था। तो ये था एक्चुअल पिक्चर। एंड अब कहीं ना कहीं क्योंकि कोरोना चला गया तो इस पैटर्न पे आने का ये ट्राई मार रहा है, जिसकी वजह से अब निफ्टी में गिरावट हो रही है। तो अगले 1 साल के अंदर अंदर, या आप बोल सकते हैं अगले 2 साल के अंदर अंदर, तो निफ्टी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, जो कि उसकी ये वाली पोजीशन थी, मेरे को तो ये लगता है। देखो अगले आने वाले 1 साल तक रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, बट उसका सब जब नॉर्मल हो जाएगा तब निफ्टी फार्मा भी नॉर्मल हो जाएगा, ओके। तो ये था जो मेरे को एक्चुअल में आपको समझाना था। एंड अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगी पिक्चर। ये देखो ये लगातार गिर क्यों रहा है, एक तो रीज़न ये था कि भाई कोरोना आ गया, दूसरा भाई जो है FDA अप्रूवल क्या होता है ये समझ लो पहले। देखो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो एंड फिर इस चीज़ को पढ़ लो, ये FDA अप्रूवल वगैरह इस चीज़ को पढ़ो एक बार कि FDA अप्रूवल होता क्या है। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, मैं पढ़ के नहीं सुनाने वाला, आप पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बताने वाला हूँ इसको सुनो आप, आई होप आपने पढ़ लिया होगा शांति से स्किप वो करने के बाद, पॉज करने के बाद, ठीक है। अब देखो क्या होता है FDA अप्रूवल, जब भी कोई ड्रग बनता है फिर कोई भी दवाई बनती है तो उसको जो है FDA अप्रूवल चाहिए होता है, जब उसको जो है मतलब कि मार्केट में उतरना है। तो ये FDA का FDA अप्रूवल ये काम करता है कि भाई आपकी जो है दवाई, हाँ ठीक है आपने जो बोला हुआ है कि, जैसे मान लो कोई, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई ये वो थी ना डिस्प्रिन क्या काम करती थी, सिर दर्द सही करती है वो डिस्प्रिन, ठीक है। तो जो FDA ने अप्रूव कर दिया, हाँ भाई ये ठीक है, इन्होंने बोला कि हम सर दर्द ठीक करते हैं, तो हाँ इनकी जो ड्रग है, इनकी जो गोली है, हाँ सर दर्द के लिए ही है। बट डिस्प्रिन बैन क्यों हो गई थी, क्योंकि बाद में पता चलता था भाई ये हेल्थ के लिए नहीं सही है, ठीक है। आपका सर दर्द सही करता है बट जो है आपके हेल्थ के साथ जो है खिलवाड़ करता है, जिसकी वजह से वो बैन हो गई। तो अब जो है पिछले जनवरी से लोगे, अगर आप जनवरी फरवरी से जो है फरवरी क्या जनवरी की स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें होने लगी, FDA अप्रूवल में नए रूल्स आए हैं, जिसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है फार्मा सेक्टर के ऊपर, मतलब कि फार्मा की जो मेन कंपनीज हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर हो गया कि भाई FDA अप्रूवल उनको मिल ही नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो गया, इतने सारे नए रूल्स आ चुके हैं अभी। तो जैसे कोरोना वायरस आया उसकी वजह से ये चीज़ें हुई है कि आपकी जो दवाई एकदम एक्यूरेट सही सटीक होनी चाहिए, वरना हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है एंड आरटी ड्रग लगातार गिरावट में है। तो यही हो रहा है भाई, निफ्टी भाग रहा है, निफ्टी आतंक मचा रहा है भाई शहर, मतलब कि कहाँ पहुँच गया निफ्टी, देखते देखते कुछ भरोसा नहीं हो रहा है। जनवरी से भी अगर आप ट्रैक करेंगे निफ्टी को, ठीक है एक सेकेंड, ये देखो ये है जनवरी का निफ्टी 50, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है निफ्टी 50 ऐसे जा रहा है। और वहीं पे मैंने आपको जो दूसरी चीज़ दिखाई भाई, मैं कलर यहाँ पे चेंज करके बताता हूँ, जो मैंने आपको फार्मा सेक्टर दिखाया वो क्या है, वो ऐसा ऐसा ये हो रखा है उसका सीन। तो कहीं ना कहीं अब आप समझ सकते हैं भाई क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये रीज़न है जो फार्मा सेक्टर डाउन है, दूसरी बात जो है भाई अपना आर्थडक्स गिर गया है। एंड अब जो है भाई बारी बात करते हैं भाई इसके इंडिकेटर्स की, तो देखो गाइस ये है हमारा आरथी ड्रग्स,
ठीक है, इसके टेक्निकल्स की बात करते हैं सीधे सीधे। पहले आते हैं भाई RSI पे, RSI हो चुका है। मैं यहाँ पे जो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो तीन वो देखें, तीन इंडिकेटर्स देखें, एंड जो मतलब कि मैक्सिमम जिनका भी होगा उसको हम मानेंगे वो चीज़, ठीक है। तो पहली बात करते हैं RSI की। RSI ठीक है, न्यूट्रल पे आ चुका है, शिफ्ट होते होते, ठीक है, नेगेटिव से शिफ्ट होते होते, पॉजिटिव से शिफ्ट होते होते न्यूट्रल पर पहुँच गया, 30 से ऊपर आ चुका है, तो हम इसको न्यूट्रल मानेंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं भाई यहाँ पे कम्युनिटी चैनल इंडेक्स, ओवरसोल्ड जोन है, -100 से नीचे है। एंड जब भी कम्युनिटी चैनल इंडेक्स -100 से नीचे होता है तो इसका मतलब होता है कि वो डाउन ट्रेंड में है, फिलहाल जो स्टॉक है फिलहाल डाउन ट्रेंड में, एंड अभी और गिरावट आ सकती है। तो जैसे ही -100 को क्रॉस करेगा, मतलब कि ऐसा -99, -88 हो जाएगा, तब इसमें जो है फ्रेश एंट्री आपको लेनी चाहिए, ये कम्युनिटी चैनल इंडेक्स कहता है, ठीक है। उसके बाद भाई मैं यहाँ पे बाकी आपको देखना है तो यहाँ पे मैं पढ़ लो, ठीक है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, वरना मैं सिर्फ एक और दिखा देता हूँ। यहाँ पे MACD भी फिलहाल नेगेटिव चल रहा है, -16 की रेंज में चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, MACD नेगेटिव चल रहा है, मतलब अभी भी जो है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, अभी भी नीचे को जा सकता है। तो MACD हमने देख लिया भाई नेगेटिव है, एंड यहाँ पे कम्युनिटी चैनल इंडेक्स भी नेगेटिव है, एंड RSI थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव तो नहीं बोल सकता, बट न्यूट्रल टाइप का है। तो आप पे कंक्लूजन क्या निकाला भाई, आर्थरडग और गिर सकता है। तो गाइस अभी आर्थरडग कितना गिर सकता है, मैंने आपको दो लेवल ऑलरेडी दे दिया, बस फटाफट मैं बता दूंगा आपको, अगर देखना होगा भाई कौन से वो दो लेवल हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस, आपको बहुत सारी वीडियोस इसके रिलेटेड मिल जाएंगी। मैं नीचे के दो लेवल दे देता हूं, यहीं तक आर्थरडग जो है गिर सकता है, एंड ये फेयर वैल्यूएशन इसकी मान जाएगी। पहला तो 620 का इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप इसको कुछ भी एक लेवल बोल सकते हैं भाई, 620 एक ऐसा लेवल है, अगर यहाँ से गिरावट होती है तो बहुत बड़ी गिरावट होगी, अगर यहाँ से जो है बच जाता है तो फिर बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी आते डग्स में हमारे आ जाएगी। बट फिलहाल की जो कंडीशंस मेरे को दिख रही हैं, गिरावट होती हुई दिख रही है, एंड 620 का लेवल बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, 635 के आसपास चल रहा है अभी, ठीक है, 620 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, एंड 620 पे असली कहानी शुरू होगी, 620 पे क्या होता है, ठीक है। एंड 620 पहले लेवल, उसके बाद भाई नीचे की बात की जाए, 620 से अगर गिर जाता है तो ऑब्वियसली अपने 200 EMA पे आएगा, जो है इसका 590 का, मैं चेकआउट भी करवा देता हूँ यहाँ पे, 590 के आसपास का। तो ये दूसरा लेवल आप ले सकते हैं 590 के आसपास का, तो 590 एक इसका ऐसा लेवल हो जाएगा कि अगर यहाँ से स्टॉक गिरा तो इसलिए गिरा क्योंकि भाई कंपनी बर्बाद हो रही है, और अगर बच जाता है तो आपको 590 का बहुत बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। अगर 590 से गिरावट होते होते 570, 580, 560 की तरफ जाएगा तो समझ लेना भाई आर्थरडग गया, अब इसको छोड़ने का टाइम आ चुका है, ठीक है। एंड अभी फिलहाल आपको होल्ड करना चाहिए, एंड मेरा मानना है कि भाई 3 से 5 मंथ के अंदर अंदर आपको 700, 750 वाले लेवल भी देखने को मिल जाएंगे, तो अगर सब कुछ सही रहता है तो, क्योंकि भाई देखो फार्मा सेक्टर ऑलरेडी डाउन चल रहा है। मैंने अभी भाई ये क्लियर पिक्चर मुझे भी नहीं थी, बट जब मैंने एनालिसिस किया भाई सब कुछ अच्छे से, मेरा खुद दिमाग फट गया, एंड मेरे को पता है भाई आपकी भी क्या इस समय हालत हो रही होगी, भाई मेरी भी है, क्योंकि मेरी भी भाई बाइंग 711 पे आते ड्रग की। हाँ वो मैं मानता हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% है, पर लोगों ने भाई लाख लाख 70,000, 80,000 ऐसे रुपए फंसा रखे हैं भाई, उनके लिए बहुत दुख हो रहा है मेरे को। बट सीरियसली भाई गाइज आपको वेट करना पड़ेगा, दो लेवल्स आपको ऐसे दिमाग में छपने चाहिए कि भाई इसके नीचे आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आपको मान के चलना पड़ेगा। एंड जो नई एंट्री वाले या एवरेज करने की सोचा है 620 पे, गलती से भी एवरेज मत कर देना, करंट मार्केट प्राइस पे एवरेज मत कर देना, एवरेज करना आपको 590, 595 के आसपास मेरे भाई, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन है, एंड मैं क्या कर रहा हूँ अब ये बता देता हूँ। मैंने जो 711 पे लिया है, 750 का ऊपर का मैं लेवल वेट कर रहा हूँ, जो कि मैं अगले 3 से 5 मंथ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, जो मेरे को पिक्चर यहाँ पे दिख रही है। और डाउन ट्रेंड में चलता है कोई भी स्टॉक तो ऑब्वियसली भाई अप ट्रेंड में तो आएगा, है ना, एंड जिस दिन से अप ट्रेंड में आना स्टार्ट होगा उस दिन से हमें भी भाई देखने को मिल जाएगा, एंड मैं खुद भी यहाँ पे 590 पे जो है एवरेज करने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो ये मेरी पूरी एनालिसिस, पर्सनल रिकमेंडेशन सब कुछ, एंड अभी आपको जैसा भी लगता है भाई आप चीज़ें देख सकते हैं, एंड आपके सामने सब कुछ मैंने प्रेजेंट कर दिया है, कोई झूठ कोई सच कुछ भी नहीं, मतलब कि एक्यूरेट जो है वो है मैंने पेश कर दिया, ओके। तो चलो फिलहाल रुकते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय, होस्ट एंड ऑनली विशाल सुशील, ओके, बाय, ग्रेट डे, टाटा।